नमस्कार पद्मेश 24/7 में आपका स्वागत है। मैं हूं अर्चना मिश्रा। आगे बढ़ने से पहले सबसे पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर। गणेश विसर्जन के दौरान हुआ हादसा, दो बच्चों की नाले में डूबने से हुई मौत। कोविड जांच के लिए पहुंचे स्वास्थ्य अमले का वारासिमनी में हुआ विरोध। स्कूलों में एडमिशन की बढ़ी तारीख, माध्यमिक शिक्षा मंडल ने जारी किया आदेश। दो विभागों के बीच फंस गई जिले की दो बड़ी सड़क, मरम्मत से दोनों विभाग का इनकार। और बारासिमनी तहसील में खाद्य की किल्लत, किसानों को फसल में नुकसान का सता रहा डर। और अब खबरें विस्तार से। बैहर तहसील मुख्यालय के रौंदा टोला स्थित मछली नाला में गणेश विसर्जन के दौरान दो बालकों की नाले में डूबने से मौत हो गई। यह घटना उस समय हुई जब कंपाउंडर टोला निवासी एक का परिवार गणेश प्रतिमा के विसर्जन के लिए अपने मोहल्ले के बच्चों के साथ ले गए थे। मछली नाले में पानी का बहाव बहुत तेज होने की वजह से प्रतिमा का विसर्जन करने के दौरान चार बच्चे तेज बहाव में डूबने लगे। समय रहते पास ही मछली पकड़ रहे मछुआरों द्वारा दो बच्चों को बचा लिया गया, लेकिन गहरे पानी में जाने की वजह से पीहू पिता आलू स्वर्गवासी उम्र 14 वर्ष और सनी पिता मधु उम्र 13 वर्ष दोनों ही निवासी कंपाउंडर टोला के डूबने से मौत हो गई। दोनों ही मृतक बालकों के परिजनों ने थाने में विरोध प्रदर्शन किया और कंपाउंडर टोला के जिस परिवार द्वारा इन बच्चों को अपने साथ गणेश प्रतिमा के लिए ले जाया गया था उन पर कार्यवाही की मांग की गई। पुलिस द्वारा जांच का आश्वासन दिए जाने के बाद परिजनों ने अपने बच्चों के शव को वापस लिया। इस घटना के बाद पूरे बैहर शहर में हर कोई स्तब्ध था, क्योंकि मछली नाला में 31 अगस्त को भी बड़ी संख्या में शहरवासियों ने गणेश प्रतिमाओं का विसर्जन किया था। इस दौरान भी तेज बहाव के कारण लोग स्वयं सुरक्षा करते रहे थे। स्थानीय जनों ने प्रशासन पर आरोप लगाया था कि उनके द्वारा प्रतिमा विसर्जन स्थल पर कोई सुरक्षा नहीं रखी गई थी। नतीजा दो बच्चों की नाले में डूबने से मौत हो गई। माध्यमिक शिक्षा मंडल द्वारा संबद्धता प्राप्त संस्थानों में नियमित विद्यार्थियों के प्रवेश की तिथि बढ़ाकर 30 सितंबर कर दी गई है। बता दें कि उच्च न्यायालय द्वारा पूर्व में 12 अगस्त तक प्रवेश प्रक्रिया पूर्ण करने के आदेश पारित किए गए थे। बाद में उच्च न्यायालय द्वारा 27 अगस्त को पारित आदेश के अनुक्रम में मंडल द्वारा नियमित विद्यार्थियों की प्रवेश की तिथि बढ़ाकर 30 सितंबर कर दी गई है। आपको बता दें कि मध्य प्रदेश शासन द्वारा लगातार स्कूलों को खोले जाने की तारीख में इजाफा किया जा रहा है। नए आदेश के तहत 30 सितंबर तक प्रदेश के सभी स्कूल बंद रहेंगे और इस दौरान हाई स्कूल और हायर सेकेंडरी के छात्र 20 सितंबर के बाद शिक्षकों के शैक्षिक सलाह लेने के लिए सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए स्कूल जा सकते हैं। बालाघाट जिले की लाइफलाइन कहे जाने वाले लालबर्रा बालाघाट रजेगांव और नैनपुर लामता बालाघाट मार्ग की हालत किसी से छिपी नहीं है। जर्जर सड़क और इस पर हिचकोले खाते हुए वाहन पल पल दुर्घटना का डर याद दिला रहे हैं। लगभग 17-18 वर्ष पहले मध्य प्रदेश की तंडोले मंडोले खस्ताहाल सड़कों की। कंजे से बालाघाट रजेगांव मार्ग दूरी लगभग 72 किलोमीटर, इसी तरह बालाघाट से नैनपुर की दूरी लगभग 77 किलोमीटर की सड़कों पर गड्ढों में तब्दील हो चुकी है। चलिए मुद्दे की बात पर आते हैं कि आखिरकार इन सड़कों की मरम्मत क्यों नहीं हो पा रही है। इसी सवाल को लेकर हम MPRDC कार्यालय पहुंचे तो जिला अधिकारी दीपक आड़े ने बताया कि अब यह सड़क NHAI नेशनल हाईवे को हस्तांतरित हो चुकी है, इसलिए इस सड़क की मरम्मत और सारा देखरेख का काम उन्हीं की जिम्मेदारी है। दूरभाष पर जब हमने कटनी कार्यालय में पदस्थ अधिकारी श्री बांजल और जबलपुर NHAI कार्यालय के वरिष्ठ अधिकारी श्री खंडेलवाल से चर्चा की तो उन्होंने कहा कि सड़क तो हमें हस्तांतरित हो चुकी है, इस सड़क के निर्माण के लिए DPR भी तैयार हो रहा है, मतलब मैदानी स्तर पर काम शुरू हो चुका है, लेकिन मरम्मत का काम अभी उनकी जिम्मेदारी नहीं है। मतलब साफ है कि इन दोनों सड़कों की मरम्मत की जिम्मेदारी ना ही MPRDC विभाग की है और ना ही NHAI विभाग की, तो फिर किसकी है? क्या जब तक नई सड़क नहीं बनती तब तक जिले वासियों को इसी खस्ताहाल जर्जर गड्ढे नुमा सड़क में चलना पड़ेगा? यहाँ तो बड़ा सवाल है, क्योंकि इन दोनों सड़कों के प्रति शासन प्रशासन की भी लापरवाही स्पष्ट देखी जा सकती है, तभी तो खस्ताहाल सड़कों पर लगातार ध्यानाकर्षण किया जा रहा है। बावजूद इसके
कि शासन प्रशासन खामोश बैठा है और जनता त्रस्त हो रही है। मध्य प्रदेश शासन नगरीय विकास एवं आवास विकास मंत्रालय भोपाल के द्वारा नगरीय निकाय के अधिकारी और कर्मचारियों के स्थानांतरण की सूची जारी कर दी गई। इसी सूची के अनुसार बालाघाट के सीएमओ दिनेश वाघमारे का स्थानांतरण सिवनी जिले के बरघाट नगर पंचायत में किया गया। उनके स्थान पर सहायक संचालक संचालनालय नगरीय प्रशासन एवं भोपाल में अपनी सेवाएं दे रहे सीएमओ सतीश मटसेनिया का स्थानांतरण बालाघाट के नगर पालिका सीएमओ में कर दिया गया है। इंजीनियरिंग की प्रीटेस्ट जेईई और नीट की परीक्षाएं 1 सितंबर से 13 सितंबर के मध्य आयोजित की गई है। कोरोना संक्रमण काल को देखते हुए छात्रों और उनके परिजनों को परीक्षा वाले शहर और उसके केंद्र तक पहुंचाने के लिए व्यवस्था शासन के द्वारा की गई है। जिला शिक्षा अधिकारी आर के लटारे ने बताया कि 1 सितंबर से 13 सितंबर के मध्य परीक्षा अलग अलग शहरों में अलग अलग परीक्षा केंद्रों में आयोजित की जा रही है। यहां तक पहुंचने के लिए छात्रों को दिए गए नंबरों पर रजिस्ट्रेशन कराना होगा, जिससे उन्हें केंद्र तक पहुंचाने की सुविधाएं दी जा सके। अब तक कुल 486 छात्रों ने अपना रजिस्ट्रेशन करवा लिया है। देखिए, विभिन्न चरणों में जेईई की जो परीक्षा दे रहे हैं, हमारे बालाघाट की जो परीक्षा आती है, जो दूसरे जिलों में जा रहे हैं, उनके परिवहन की व्यवस्था निःशुल्क शासन द्वारा की जा रही है। लेकिन परीक्षा में विभिन्न तिथियों को परीक्षार्थियों की संख्या भी अलग अलग है। 1 तारीख को केवल हमारे पास बाहर जिले में जाने वाले 3 परीक्षार्थी थे, उनको रवाना कर दिया गया है। और 2 तारीख को 11 परीक्षार्थी है, 3 तारीख को हमारे पास 31 परीक्षार्थी हैं। ऐसे कुल 13 तारीख तक जो परीक्षाएं संचालित होगी जेईई और नीट की, तो 13 तारीख को सबसे अधिक 307 परीक्षार्थी हैं। ऐसे कुल हमारे पास 486 अभी तक रजिस्ट्रेशन हुए हैं और इसकी संख्या में वृद्धि होने की संभावना है। इसके लिए बकायदा शिक्षा विभाग के 2 कर्मचारियों के नंबर जारी कर दिए गए हैं, जिस पर छात्र फोन कर अपनी जानकारी और रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं, जिससे उन्हें गंतव्य स्थान तक जाने और वापस आने की सुविधा प्राप्त हो सके। यदि 12 बजे तक किसी परीक्षार्थी को कोई सूचना नहीं मिलती है 1 दिन पूर्व, तो परीक्षार्थी तभी संपर्क करे। इसके लिए हमारे पास हमने 2 नंबर दिए हैं। एक हमारे चावला जी का नंबर है 9424606050, और ये हमारे दूसरे अकाउंटेंट हैं परीक्षा प्रभारी, इनका जो नंबर है शाहिद जी का 9933316754 है। तो इस पर ये चर्चा कर सकते हैं। अतिवृष्टि के कारण लालबर्रा के गणेशपुर गांव में 1 दर्जन परिवार प्रभावित हुए हैं, जिसमें कुछ लोगों के मकान पूरी तरह से धराशायी हो गए और कुछ लोगों के कच्चे मकान बारिश की वजह से कमजोर हो गए। वहीं कई मकानों की दीवारें गिर गई, जिससे पीड़ित परिवारों को काफी नुकसान हुआ है। ग्राम पंचायत के वार्ड क्रमांक 4-9 में अतिवृष्टि के कारण अधिक नुकसान हुआ है, जिसमें वार्ड क्रमांक 4 के एक मकान पूरी तरह से धराशायी हो गया है। इसके अलावा कुछ लोगों के मकान की दीवार गिर गई, वहीं मकानों में पानी घुसने से कुछ मकानों की दीवार कमजोर हो गई है और मकान गिरने की कगार पर पहुंच गया है। बारिश आया गिरा है जी, बारिश में गिरा है। उस समय आप कहाँ थे जिस समय दीवार गिरी? उस समय ने वो भाई एक खत्म हो गई थी हमारी मोहल्ले में। तो ये दिन की बात है कि रात की? 3-4 बजे का बात है। शाम को यानी इतने वक्त का, 3-4 बजे का बात। क्या क्या नुकसान हो गया आपको? वो अब चावल है, दाल है, डब्बा है, डुबू है, बर्तन है, भांडा सब धरा था यहाँ पे पूरा। पाल पर्दा लगाए जी, अब सांप गेंडू भी आ रहा है, बड़े जात का सांप भी आ गया। पटवारी पटवारी आया था। तो क्या बोले फिर? पटवारी बोले फोटो वोटो देना कहे, यहाँ का लिख करके ले जाएंगे कहे ना, फोटो वोटो देना कहे तो दिए फोटो। रहने का सादत नहीं है, मतलब अभी गिर रहा है। हाँ, गिर रहा है बारिश की वजह से। हाँ, इसी घर जा के सोती हूँ। तो और कौन कौन है आपके परिवार में? परिवार में सभी थे। तभी कहाँ? अभी कमाने खाने गए। तभी जैसे मकान अब गिर गया है, कहाँ रहना होता है आपका? यहाँ पकाती हैं एक पाकर जी, आना उधर जाके सोती हैं दूसरे बाजू का। तो इसकी सूचना आपने किसी को दी है ग्राम पंचायत में? दी है तो उन्हें अभी कुछ नहीं करते। सरपंच को बताए? हाँ। क्या बोले उन्होंने? पट्टा पावती लाओ तब बनेगा। कोटवार वगैरह आए थे? कोटवार भी आए थे, कोटवार भी पूछे, पटवारी भी आए थे, देखे ना चल गए, कुछ नहीं करते।
आठ आठ दिन हो रहे हैं तेज बारिश की वजह से गिर जाते हैं। तो अभी फिर कहाँ रह रहे हैं आप? जी मैं कोठे को साफ किया, यहाँ रह रहे हैं। कितने परिवार रहते थे यहाँ पर? यहाँ दो परिवार रहते थे। तो कितना नुकसान हो गया आपको इसमें? लगभग तो सिवार बल्ली लेकर के 50 के ऊपर हो गया होगा, लेकिन कम नहीं हुआ होगा। तो प्रधानमंत्री आवास योजना में नाम है आपका? सूची में तो नाम है, लेकिन अभी तक के कोई तो कोई आए थे यहाँ पे अधिकारी लोग या सरपंच सचिव कोटवार साहब भर आए थे, वो लिख करके गए हैं, उसके बाद कोई नहीं आए। हमारे ग्राम पंचायत गणेशपुर में करीब में यानी गौठान यानी सरकार यानी गांव ग्रामीण तालाब है, ग्रामीण तालाब की वजह से पूरी नाली में फ्लोर मारने की वजह से नाली के किनारे के और अंदर बस्तियों के कम से कम 20 से 25 मकान जर्जर हो गए हैं। कुछ एक मकान गिरने की हालत में है, जिसके लिए वर्तमान में हमारे यहाँ पे आदिवासी सरपंच सचिव सहायक ये कोई लोग ध्यान नहीं देते, अन्यथा ये संदेश कहने का मतलब राजस्व विभाग में अधिकारियों को पहुँचाना चाहिए, जिससे इनको सहायता प्राप्त हो और जो ग्रामीण है अभी जो लॉकडाउन में जो 8 महीने से बैठे हुए हैं तो उनको शासन की तत्काल मुआवजा प्रदान किया जाए। बीते दिनों वैनगंगा नदी में आई बाढ़ के बाद डेंजर रोड के हालात बद से बदतर हो चुके हैं। बाढ़ के साथ आई मिट्टी सड़क पर इस कदर बिफर गई है कि उस पर पैदल चलना मुश्किल हो गया है। इस कारण बाढ़ के पानी के कम होने के बाद भी इस सड़क से आवागमन अब तक पूरी तरह से शुरू नहीं हो सका है। आपको बता दें कि डेंजर रोड प्रशासन का वह ड्रीम प्रोजेक्ट है जिसमें बाईपास सड़क बनाई जानी है, लेकिन लगातार 2 साल से आ रही वैनगंगा नदी में बाढ़ कुछ और जमीनी हकीकत बयां कर रही है, जिसे जानकार इससे डेंजर रोड पर बाईपास को औचित्यहीन बता रहे हैं। 31 अगस्त की तरह 1 सितंबर को भी जिला मुख्यालय सहित ग्रामीण क्षेत्रों में गणेश प्रतिमा के विसर्जन का सिलसिला चलता रहा। जिला मुख्यालय में नगर पालिका द्वारा शहर के विभिन्न चौक चौराहों पर गणेश प्रतिमाओं के विसर्जन के लिए संपूर्ण व्यवस्था की गई, तो वहीं कई भक्तों द्वारा घर पर ही कुंड बनाकर प्रतिमाओं का विसर्जन किया गया। इसी तरह ग्रामीण क्षेत्रों में नदी नालों और तालाबों में लोगों द्वारा गणेश प्रतिमाओं का विसर्जन किया गया। आपको बता दें कि गणेश विसर्जन की 2 तिथि होने की वजह से जिले भर में दोनों ही दिन लोगों द्वारा गणेश विसर्जन किया गया। भरवेली थाना अंतर्गत अमेड़ा में 19 वर्षीय युवक नसीब गाड़ेश्वर की घिसरी नदी में डूबने से मौत हो गई। जानकारी के अनुसार नसीब 1 सितंबर की दोपहर 4 बजे नदी किनारे बकरी चराने गया था, इस दौरान ये हादसा घटित हो गया। वारिसिंह नगर के वार्ड नंबर 9 में कोरोना संक्रमित आए 2 व्यक्तियों के कांटेक्ट में आने वाले लोगों को कोविड-19 सैंपल लेने के लिए स्वास्थ्य अमला मंगलवार को मौके पर पहुंचा, तो उसे भारी विरोध के बीच लोगों का कोरोना टेस्ट करने के लिए सैंपल लेना पड़ा। स्थानीय जनों द्वारा यह विरोध वारासिवनी तहसील के सरंडी में आशा कार्यकर्ता के बिना जांच के पॉजिटिव बताया जाना और उसे कोविड सेंटर में भर्ती किए जाने को लेकर दिखाई दिया। इस दौरान जब स्वास्थ्य विभाग का अमला संदिग्धों की जांच कर रहा था, तब लोग स्पीकर पर आशा कार्यकर्ता द्वारा अपने निगेटिव होने की जानकारी देने वाला ऑडियो जोर जोर से बजा रहे थे। यह जांच नगर पालिका कर्मचारी वारा निवासी योजना शाखा प्रभारी द्वारा वार्ड नंबर 9 निवासी सफाई जमादार और तीसरा सफाई कर्मचारी के पॉजिटिव आने के बाद करवाई जा रही थी, जिसके तहत वार्ड नंबर 9 से पॉजिटिव आए सफाई जमादार और सफाई कर्मी का मकान एक स्थान पर ही था, जिनके संपर्क में 34 लोग थे, जिनकी कोरोना जांच स्वास्थ्य अमले के द्वारा की जानी थी, जिसको लेकर मंगलवार को स्वास्थ्य विभाग का एक अमला वार्ड नंबर 9 स्थित कंटेनमेंट जोन में सैंपल लेने के लिए पहुंचा था, जहां पर पॉजिटिव आए व्यक्तियों के संपर्क में आए लोगों के द्वारा भारी विरोध किया गया। वार्ड नंबर 9 में अभी पिछले हमने 5 दिन पहले सैंपल लिया था जो सबक कोरोना वायरस का, उसके तहत नगर पालिका के 3 कर्मचारी पॉजिटिव आए थे और अब उस पॉजिटिव रिपोर्ट आने के बाद 5 दिन बाद हम उसको नियम के तहत और प्रक्रिया के तहत 5 दिन बाद परिवार के सदस्य और आसपास रहने वाले लोगों का सैंपल लिया जाता है, ताकि उनके यहाँ तो और तो कोई संक्रमित नहीं है इस बात की जानकारी देने के लिए, और ये एक प्रकार से कोरोना के फैलाव के बचाव की दिशा में उठाया जा रहा कदम है, और उसी के तहत यहाँ पर हमारी स्वास्थ्य विभाग की टीम यहाँ पर आई है और जो प्रभावित परिवार है कोरोना पॉजिटिव और उसके आसपास के लोगों का सैंपल। सर यहाँ ये भी सुनने लोग विरोध कर रहे हैं परिवार के सदस्य, हाँ उनका थोड़ा सा यही।
वारासिमनी नगर सहित क्षेत्र में खरीफ की फसल का रोपाई कार्य पूर्ण हो चुका है और वर्तमान में तेज धूप तप रही है। ऐसे में किसानों को यूरिया खाद की अत्यंत आवश्यकता है, जिसके लिए वे अपने अपने क्षेत्र की सोसाइटी और वारासिमनी मार्केटिंग सोसाइटी का चक्कर लगा रहे हैं, लेकिन उन्हें यूरिया नहीं मिल पा रहा है। बता दें कि यह समस्या पिछले 14 अगस्त से बनी हुई है, जिसे देखते हुए खाद्य प्रभारी के द्वारा जिला मार्केटिंग सोसाइटी से क्षेत्र की मांग को देखते हुए 500 टन यूरिया की मांग की गई थी। 28 अगस्त को जिले से 204 टन यूरिया भेजा गया, जिसके बाद करीब 2000 टन से ज्यादा के क्षेत्र में आवश्यकता बनी हुई है, लेकिन उपस्थिति में आवश्यकता का 25% भी यूरिया प्राप्त नहीं हो पाया है। इस घटनाक्रम के बाद किसानों में बहुत अधिक रोष दिखाई दे रहा है। खेतों में खरीफ फसल खराब ना हो जाए, उत्पादन प्रभावित ना हो, इसीलिए हर कोई शासन से उम्मीद लगाए बैठा है, लेकिन ऐसे दर्जनों किसान हैं जो इस उम्मीद से सुबह घर से निकलते हैं कि आज उन्हें हाथ की एक बोरी खाद मिल जाएगी, लेकिन शाम होते होते उन्हें निराशा हाथ लगती है। कितने बार आ गए आप यहाँ पे? दो बार आ गए जी। तो क्या कह रहे हैं आप? यहाँ नहीं मिल रहा है, बाद में देंगे बोल रहे हैं। तो मार्केट से लोग बोलते हैं। अच्छा, तो वो सोसाइटियों में भी नहीं मिल रहा आपके वहाँ पे? नहीं जी, वहाँ भी खाद नहीं है। अन्य किसानों को भी खाद की आवश्यकता है जी। बहुत ज्यादा बहुत ज्यादा बहुत ज्यादा। अगर समय पे नहीं डाले तो क्या नुकसान होगा फसल में? नुकसान होगा जी, फसल उतनी नहीं होगी जितनी होनी चाहिए। जितनी होना है उतनी नहीं होती, ऐसी ही होगी वो। अच्छा, इसके अलावा दूसरे खाद नहीं डाल सकते? नहीं नहीं, अभी यूरिया की मांग है। यूरिया की मांग है? क्या नहीं, यूरिया अपने लवारसन क्षेत्र में नहीं मिल रहा? नहीं मिल रहा। जैसे अगर प्राइवेट संस्था के पास जाते तो वहाँ क्या रेट बोल रहे हैं? वहाँ पे तो 325 बोल रहे हैं साहब। ऐसा, और यहाँ खरीदी करते हैं तो? यहाँ पे 270 270 यानी 50 रुपये ज़्यादा लग रहा है वहाँ पे। मैं यूरिया के सर ने बोले वो सोसाइटी में जाएगा यूरिया, सोसाइटी से मिलेगा। तो आपको सोसाइटी से मिलेगा फिर? अपना तो वो खाता ही नहीं है ना सोसाइटी, अपन नकदी लेंगे। नकदी पहले? हाँ, बहुत सारे मगर अभी कोई ऑप्शन नहीं है बोले नकदी का। समय पर खाद नहीं मिलेगा तो फिर किस तरह से परेशानी होगी फसलों को? समय पर खाद नहीं मिलेगा तो फसल पे तो कम ही होगा, फसल चल कम होगा। अने सभी जगह खाद की बहुत समस्या है। खाद की समस्या है ना, यूरिया की जरूरत है अभी। अच्छा, यूरिया की जरूरत है। और दूसरे खाद है यहाँ पे अभी? दूसरे तो है, इसकी जरूरत नहीं है। वो नहीं, इसकी जरूरत नहीं है, उसकी आवश्यकता पहले पड़ती है, पारा लगने के समय वो डाल चुके हैं। तो वर्तमान में यूरिया खाद की आवश्यकता है? वर्तमान में यूरिया की जरूरत। बुलेटिन के अंत में एक बार फिर नजर डालते हैं आज के हेडलाइंस पर। गणेश विसर्जन के दौरान हुआ हादसा, दो बच्चों की नाले में डूबने से हुई मौत। कोविड जांच के लिए पहुंचे स्वास्थ्य अमले का वारासिमनी में हुआ विरोध। स्कूलों में एडमिशन की बढ़ी तारीख, माध्यमिक शिक्षा मंडल ने जारी किया आदेश। दो विभागों के बीच फंस गई जिले की दो बड़ी सड़क, मरम्मत से दोनों विभाग का इनकार। और वारासिमनी तहसील में खाद्य की किल्लत, किसानों को फसल में नुकसान का सता रहा डर। तो आज बुलेटिन में बस इतना ही, अगले न्यूज बुलेटिन के साथ फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार। We'll be right back.